नमस्कार, आइए बात करते हैं राज्य की तमाम बड़ी खबरों की। वहीं आज राजस्थान में होंगे बड़े बदलाव, किसानों के लिए भी बड़ी खबर, सीएम भजनलाल शर्मा का बड़ा ऐलान। चलिए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें, बने रहिएगा अंत तक। भारत के ज्यादातर हिस्सों में चिलचिलाती गर्मी पड़नी शुरू हो गई है। कई जगहों का तापमान तो 40 डिग्री से पार हो चुका है, कई जगह तो भट्टी की तरह तप रही है। दोपहर ही नहीं, सुबह और रात के समय में भी भीषण गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। आज की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से सोमवार को भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, उदयपुर, बाड़मेर, चूरू, जालौर, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, भरतपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, बारा, झुंझुनू, करौली, कोटा, सीकर, सिरोही, पाली, जोधपुर, नागौर, टोंक में बिजली गिरने की संभावना है। इस दौरान यहां तेज अंधड़ चल सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दो दिन तक तापमान सामान्य रहेगा और लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। वहीं 14 मई से तापमान में फिर से बढ़ोतरी होने की संभावना है। हाल ही में राजस्थान में नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हुआ, जिसके चलते लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। बारिश के चलते कई जगहों के तापमान गिरावट आई। वहीं इस बीच मौसम विभाग ने 16 मई को मौसम में होने वाले तगड़े बदलाव को लेकर अलर्ट जारी किया है। आईएमडी की माने तो 16 मई से मरुद्रा में तगड़ा बदलाव होने जा रहा है, इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। आज यानी कि 13 मई को राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो जाएगा, इसके चलते पारा ऊपर चढ़ना शुरू होगा। मौसम विभाग की माने तो 13 से 15 मई के बीच कुछ हिस्सों में दोपहर के बाद बारिश के आसार है। वहीं 16 मई के बाद मरुद्रा का मौसम तगड़ी पलटी मारेगा, इसके चलते लोगों को खासा सतर्क रहने की आवश्यकता है। आईएमडी ने मौसम को लेकर भविष्यवाणी की है। 16 मई से राजस्थान में हीट वेव का कहर शुरू होने वाला है। बताया जा रहा है कि इस दौरान गर्मी चरम पर होगी और लोगों को खूब परेशान करेगी। इतना ही नहीं, लोगों के बीमार होने के चांस भी हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो 16 मई से अधिक जरूरी काम होने पर ही बाहर निकले। इस दिन से सूरज की रोशनी का सामना करना मुश्किल रहेगा, हीट स्ट्रोक का शिकार हो सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते प्रदेश में कई जगहों पर तापमान 40 डिग्री या इससे आसपास था। 16 मई से लोगों को तपती गर्मी से जूझना होगा। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर जनता को धोखा देने का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के कार्यकाल की तारीफ भी की। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी पर देश की जनता विश्वास कर रही है। कांग्रेस ने जनता के साथ धोखा किया था, जनता के साथ भ्रष्टाचार किया था। नरेंद्र मोदी ने देश के विकास से लेकर सीमाओं की सुरक्षा और दुनिया में देश का गौरव बढ़ाने तक बहुत काम किए हैं। कांग्रेस के सीनियर नेता मणिशंकर अय्यर के बयान पर पलटवार करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने जनता के साथ भ्रष्टाचार किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का टुकड़े टुकड़े गैंग से संबंध है। कांग्रेस के लोग किसी से भी समझौता कर सकते हैं, इसको देश की चिंता नहीं है, इसको सिर्फ परिवार की चिंता है। बता दें कि हाल ही में कांग्रेस के सीनियर नेता मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान को लेकर एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा कि भारत को पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि उसके पास परमाणु बम है। अगर हम पाकिस्तान को इज्जत नहीं देंगे तो भारत पर परमाणु हमला करने की सोचेगा। पीएम मोदी के 400 पार नारे को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि 4 जून को 400 पार। तिवारी ने कहा कि मणिशंकर अय्यर ने बयान दिया कि पाकिस्तान मजबूत देश है, उनका सम्मान करे वरना परमाणु हमला कर देगा। यह वोट बैंक को प्रभावित करने की रणनीति के तहत बयान दिए गए। इसके बयान देश और राष्ट्रहित के खिलाफ है। इससे साफ है कि कांग्रेस विभाजनकारी नीतियों को प्रोत्साहन कर पाकिस्तान को मजबूत करके अल्पसंख्यक वोट हासिल करना चाहती है। जयपुर शहर में 8 जगह हुए सिलसिलेवार बम ब्लास्ट की घटना को 16 साल हो चुके हैं। चंद मिनटों के अंतराल में हुए शहर को स्तंभ करने वाली घटना के घाव आज भी शहरवासियों के सीने में ताजा है। इसी बीच जयपुर एयरपोर्ट को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी दी गई। जयपुर एयरपोर्ट पर बम धमाके की धमकी दी गई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। एयरपोर्ट प्रशासन को धमकी भरा मेल मिला है। एयरपोर्ट पर सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया है। सीआईएसएफ ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जयपुर एयरपोर्ट के कोने कोने के साथ यात्रियों के सामान की जाँच की जा रही है। इसके अलावा एयरपोर्ट पर आने वाले हर व्यक्ति व वाहन की जाँच की जा रही है। हालांकि जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बम से उड़ाने को लेकर धमकी भरा मेल पहले भी आ चुका है। इससे पहले जो धमकी भरा मेल आया था उसमें जयपुर एयरपोर्ट पर जगह जगह बम लगाने की बात कही गई थी। साथ ही 3 एक्सप्लोजिव विमान में भी बम ब्लास्ट कराने की बात की गई थी, जिसके बाद एयरपोर्ट के अंदर सीआईएसएफ और बाहरी पुलिस ने सघन जांच अभियान चलाया था। करीब 2 घंटे चले जांच अभियान से यात्री भी दहशत में आ गए और सुरक्षा एजेंसियों से पूछते रहे कि किस बात की इतनी जाँच की जा रही है। आखिर में पुलिस और सीआईएसएफ की जाँच अभियान में कुछ नहीं मिला, उसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने रात की सांस ली। साथियों, ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि नई नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।